नमस्कार। कनाडा में जो वायलेंस हुई उसकी सब निंदा करने मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सुबह सुबह जो खबर आई उसके हिसाब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने निंदा की और ट्रूडो की गवर्नमेंट को अच्छी सुनाई उन्होंने। साथ में जयशंकर साहब ऑस्ट्रेलिया में हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने भी वहां पे कंडेम किया कि वायलेंस को हम कंडेम करते हैं, हमारी पहली नजर है। ऑस्ट्रेलिया की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वैंग, उन्होंने भी ये बोला कि परपेट्रेटर जो भी ये काम कर रहा है उसको सामने आना चाहिए, उसके उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्या फाइव आईज इंटेलिजेंस वाले कंट्रीज में ही कहीं इन अटैक्स के रिजेंटमेंट दिख रहा है? और वो कंट्री जिसने पन्नू के केस में कनाडा को सपोर्ट किया था, अब वो उसके खिलाफ दिख रहा है। क्या इंडियन डिप्लोमेसी काम कर रही है? इसी बात करने के लिए हमारे साथ आदित्य कोठारी जो कि यूके में है और यही काम करते हैं, मतलब इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं, साथ में भारत माता की भक्ति में लगे हैं। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। आदित्य जी, क्या दिख रहा है आपको अभी? सीनियर एक तो ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर भी अब कनाडा के खिलाफ स्टेटमेंट दे रही हैं और प्राइम मिनिस्टर सुबह सुबह बरसे, क्या कनाडा को कहीं कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से नॉट क्वाइट, क्योंकि आप मिस वोंग का अगर आप स्टेटमेंट देखते हैं, तो वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ये कहता है कि जो कैनेडियन जुडिशियल सिस्टम है उनको अभी भी उसके ऊपर फेथ है, अभी भी उसके ऊपर भरोसा है, और इतना कुछ हो जाने के बावजूद, इतना कुछ ट्रूडो खुद सामने आकर कहता है कि भाई हमारे पास वाकई में कोई एविडेंस नहीं था, हम तो इंटेलिजेंस पे एक्ट कर रहे थे, उतना कुछ हो जाने के बावजूद ये उन्हीं के साथ खड़े हैं। तो फाइव आई से हम ज्यादा कुछ उम्मीद ना रखें, मेरे ख्याल से वो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली जो व्हाइट मैन ग्रुप है वो व्हाइट मैन ग्रुप में ही वो चलेंगे, वो एक दूसरे का साथ देते रहेंगे, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच माई बैक वाली फिलोसफी पे ये अमल करते हैं। इंडिया को इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए, इंडिया को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलना चाहिए, और जहां इंडिया अपनी कैरेट एंड स्टिक गेम खेल सके इनके साथ, वहां पर उसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये जो चाइना का जो एंगल जो भी आया ब्रिक्स समिट के टाइम पे, बहुत कुछ इसका श्रेय हम यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड और कनाडा को दे सकते हैं, कि इंडिया को कहीं ना कहीं वो रशिया सिनो कैंप में पुश करने की एक मतलब पुश किया नजर आता है हमें। तो मेरे ख्याल से मिस वोंग का स्टेटमेंट बहुत कोई भारत के लिए नहीं था, आई थिंक विरोधी था उस हिसाब से देखा जाए तो। जी रोहित जी, विरोधी था। अच्छा, ये चीज के प्राइम मिनिस्टर ने भी खरी खोटी सुनाई है कनाडा को। क्या कनाडा से अगर प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें तो ये तो एक बड़ा डिप्लोमेटिक रो बनता जा रहा है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक खासियत रही है ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट 10 इयर्स सिंस ही इज बीन द प्राइम मिनिस्टर, वो हर मुद्दे पर, जितना संगीन से संगीन भी अगर मुद्दा हो, तो बहुत ऐसे संगीन मुद्दे होते हैं जिन पे वो बात नहीं करते हैं। ही लेट्स दी रेलेवेंट मिनिस्ट्री टॉक अबाउट इट। सो आइदर अगर वो एमईए से रिलेटेड है तो एमईए का कोई उस पर कोई रिस्पॉन्स आएगा, कोई अगर हेल्थ मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ चीज है तो वो हेल्थ मिनिस्ट्री से आएगा। वो खुद इन चीजों पे ज्यादा नजर नहीं डालते या ज्यादा बातें नहीं करते हैं, पर उनका इस पर्टिकुलर मुद्दे पे बात करना और एट द सेम टाइम खालिस्तानियों का नाम नहीं लेके बात करना, मेरे ख्याल से एक बहुत कैलिब्रेटेड अप्रोच है। तो वो कहीं ना कहीं अपने ट्वीट में ये बता रहे कि भाई ये कनेडियन एक्सट्रीमिज्म प्रॉब्लम है, ये कनाडा की जो पॉलिटी है, कनाडा का जो टू टियर सिस्टम है, उनकी जो जुडिशरी है, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है, ये उनकी प्रॉब्लम है, ना कि एक सिख एक्सट्रीमिज्म या एक सिख खालिस्तानी प्रॉब्लम है। तो वो ये जताना चाह रहे अपने ट्वीट से कि भाई कनाडा, आप अपने खेमे में अगर आप फ्रैंकेनस्टाइन्स को पालोगे, अपने खेमे में अगर सांपों को पालोगे, तो उसका कहीं ना कहीं आपको भी भरपाई करना पड़ेगा इवेंचुअली। आई थिंक दैट इज दी टेक अवे फ्रॉम दी प्राइम मिनिस्टर ट्वीट। बहुत बहुत लोग नाखुश भी है इस ट्वीट को लेके कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी और ज्यादा डायरेक्ट हो सकते थे, और ज्यादा चढ़ के बोल सकते थे कि भाई ये एक खालिस्तानी प्रॉब्लम है जिसको
कनाडा एक तरीके से यूज कर रहा है या उसको पेट्रनाइज कर रहा है, बट मेरे ख्याल से वो नहीं करके जो कैलिब्रेटेड रिस्पांस जो मोदी जी ने दिया है, मेरे ख्याल से वो वाकई में काफी काफी बढ़िया रिस्पांस रहा है। राइट. अच्छा, एक चीज और कि कनाडा में ये सिख, या सिख ना बोले तो खालिस्तानी बोले, खालिस्तानी कितने हावी हैं, और क्या अब इलेक्शन सामने देख करके गवर्नमेंट उनके सामने झुक चुकी है पूरी? देखिए, हिसाब से देखा जाए तो पियर पॉलिवर से लेके जस्टिन ट्रूडो तक, मतलब कंजर्वेटिव पार्टी से लेकर लिबरल पार्टी तक, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, सारे के सारे दे आर बेसिकली प्लेइंग हॉस्टेज पॉलिटिक्स एट दिस पॉइंट। जो सिखों का जो इंटरेस्ट ग्रुप है थ्रू द गुरुद्वारा, थ्रू द क्रिमिनल गैंग्स, वो पूरी तरीके से इन पोलिटिकल पार्टीज पे हावी हो चुकी है। दैट इज वन डायमेंशन। बट द आइडिया, जो दूसरा डायमेंशन इसका ये भी है कि कनेडियन गवर्नमेंट भी इनको कहीं ना कहीं बहुत जोर से पेट्रनाइज करती है, क्योंकि अब अगर आरसीएमपी या पील पुलिस का अगर आप एम्प्लॉयमेंट ड्राइव्स देखे, तो जितने रेडिकल गुरुद्वारास होते हैं या जितने रेडिकल मस्जिद होते हैं, वहां पर जाके ही अपने एम्प्लॉयमेंट ड्राइव्स करते हैं। तो अगर आप रेडिकल गुरुद्वारा और रेडिकल मस्जिदों में जाके अगर आप एम्प्लॉयमेंट ड्राइव्स करोगे, तो आपको कोई बहुत सुलझे हुए इंसान तो वहां से आपको मिलेंगे नहीं। वो बेसिकली आपको जो सबसे नीच और गंदी किस्म के जो लोग होते हैं, आप उन्हीं उन्हीं को आप एम्प्लॉय कर रहे हो। तो यहाँ पर कल ये भी नजर आया, जो एक ब्रॉल में जो एक पील पुलिस का जो एक आदमी था जो अटैक कर रहा था लोगों पर, वो अल्टीमेटली ही इज रिप्रेजेंटिंग दी खालिस्तानीज। उसके ऊपर में फिर एक और खालिस्तानी पकड़ा गया, जिसको सस्पेंड भी कर दिया गया बाय द पील पुलिस। ही वाज बेसिकली वो प्रोटेस्ट कर रहा था आउटसाइड द टेंपल्स, बीइंग एसोसिएटेड टू द पुलिस। तो आप बाईपार्टिसन तो हो नहीं, आप में पूरी तरीके से बायसेस है। तो जो लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी से लेके पॉलिटी से लेके पुलिस तक, द खालिस्तानीज और द सिख एक्सट्रीमिस्ट हैव बेसिकली इन्फिल्ट्रेटेड एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड एवरी पार्ट ऑफ द गवर्नेंस। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है इसको कैनेडियन सिविल सोसाइटी और वो जो सुलझे हुए सोसाइटी है, इंक्लूडिंग द हिंदूज ऑफ कैनेडा, अगर ये इस इन इन मुद्दों को लेके अगर अभी बात नहीं करेंगे, अगर पोलिटिशियंस को कटघरे पे खड़ा नहीं करेंगे, तो ये फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाला है। और ये सिर्फ कैनेडियन प्रॉब्लम नहीं है, वेस्टर्न सोसाइटी की एक पूरी तरीके से प्रॉब्लम है। ये यूके में भी यही प्रॉब्लम आपको नजर आता है, कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स में भी आपको ये प्रॉब्लम नजर आता है, और ऑस्ट्रेलिया में भी आपको ये प्रॉब्लम नजर आता है। तो ये बेसिकली व्हाइट मैन वर्ल्ड का एक एक उभरता हुआ प्रॉब्लम है, जहां पर वो कचरा उठाते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे मुल्कों का, उनको पनाह देते हैं और फिर उनको अपने सिविल सोसाइटी में असिमिलेट करने की कोशिश करते हैं विदाउट न्यूट्रलाइजिंग देयर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जो वो एक तरीके से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से उठा के जो लाते हैं। तो ये अब प्रॉब्लम होने लगा है वेस्टर्न अच्छा, सोसाइटी में। ये व्हाइट मैन सुप्रीमेसी जो आपने बोली, इस खालिस्तान के जो पूरा ड्रामा हो रहा है, इसको भी तो अमेरिका ही सपोर्ट कर रहा है, इसको भी तो डीप स्टेट का सपोर्ट है, कहीं यूएस और कहीं कनाडा का. कितना इन्वॉल्वमेंट है डीप स्टेट का, और क्या फायदा है डीप स्टेट को कनाडा उठा के देखिए, खालिस्तान? फायदे के हिसाब से देखा जाए तो कैरेट एंड स्टिक गेम है कि भाई इंडिया, अगर आप हमारे मुताबिक अगर नहीं चलोगे, मान लेते कि रशिया के खिलाफ अगर आप नहीं बोलते हो, या आप चाइना के खिलाफ अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग एक्शंस नहीं लेते हो, तो हम ये कैरेट एंड स्टिक गेम्स आपके खिलाफ हम यूज करते रहेंगे। इंटरनेशनल प्रेस में हम इसको उछालेंगे कि भाई इंडिया की जो सोसाइटी है वो बहुत ही डिवाइडेड सोसाइटी है, और इंडिया की जो गवर्नमेंट सिस्टम पूरी टूटी हुई सिस्टम है, जहां पर देर आर लॉट ऑफ डिसग्रंटल्ड पीपल लिविंग इन इंडिया हु आर अनहैप्पी विद द स्टेट रिस्पॉन्स सिस्टम, विद द स्टेट गवर्निंग सिस्टम। और हम इस चीज को आपके खिलाफ हम यूज करते रहेंगे, इंटरनेशनल मुद्दों पर हम इसको हाईलाइट करते रहेंगे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर हाईलाइट करते रहेंगे, और वीडेम और रेटिंग एजेंसीज के द्वारा हम इन चीजों को आपके खिलाफ यूज करेंगे, जिसके हिसाब से आपके तरफ
रेटिंग्स की तरफ आपकी नेगेटिव परफॉर्मेंस रहेगी। तो वीडम या रिपोर्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर्स इंडिया को अफगानिस्तान के नीचे रेटिंग देती है, कभी पाकिस्तान के नीचे रेटिंग देती है। हैप्पीनेस इंडेक्स में जहां पर श्रीलंका एक पूरी तरीके से बर्बाद मुल्क है, पर हिंदुस्तान को वो श्रीलंका के नीचे वो रेटिंग देती है। तो ये बेसिकली कैरेट एंड स्टिक गेम वो अपने हिसाब से यूज करते रहते हैं और उसका फायदा वो उठाते रहते हैं। क्या कहीं इसमें चाइनीज स्टेट भी इन्वॉल्व है? चाइनीज मेरे ख्याल से उतना नहीं है। चाइनीज का जो यहाँ पर किरदार है वो एक तरीके से सिर्फ मीडिया कंट्रोल के तरफ से है। जी का 2016 में एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट आया था कि वेर एवर द मीडिया आउटलेट्स आर द चाइनीज टेंटिकल्स मस्ट फॉलो। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्टर्न मीडिया में इन्वेस्ट किए हैं, वेस्टर्न एकेडमिया में इन्वेस्ट किए हैं, जहां पर वो इंश्योर करते हैं कि चाइना में जो कुछ होता है, चाहे वो उइगर मुसलमानों को लेकर हो या चाइनीज फ्रीडम को लेके हो, विद इन देयर ओन सॉर्ट ऑफ पैरामीटर्स, उसको लेके बहुत बात नहीं करे और उस इशू को वेस्टर्न मीडिया वेस्टर्न एकेडेमिया डिफ्लेक्ट करता रहे। चाइना का किरदार मेरे ख्याल से सिर्फ वहीं तक सीमित है। इंडिया को लेके वो बहुत अग्रेसिवली इस चीज को लॉबी नहीं करता है। अच्छा, जॉर्ज सोरोस भी वेस्टर्न डीप स्टेट ही सपोर्ट करता है, खालिस्तान को भी वेस्टर्न डीप स्टेट ही सपोर्ट करता है। क्या रीजन कि ये सारे एंटी इंडिया आदमी को वेस्टर्न यानी कि अमेरिकन, कैनेडियन, यूरोपियन ये डीप स्टेट सपोर्ट करते हैं, जॉर्ज सोरोस और खालिस्तान दोनों को क्यों सपोर्ट? बेसिकली जो वेस्टर्न पावर्स है उनको हिंदुस्तान में एक ऐसा लीडर चाहिए जो वो अगर कहे जंप, तो ये इस पर्टिकुलर लीडरशिप का रिस्पॉन्स आना चाहिए कि भाई हाउ हाई शुड आई जंप, कितनी ऊंची मैं जंप मारूं। और वो नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, ना ही जयशंकर साहब कर रहे हैं। तो इसीलिए वो बार बार जॉर्ज सोरोस या अलेक्जेंडर सोरोस, राहुल गांधी जैसे कैरेक्टर्स को प्लेटफॉर्म देते हैं कि भाई ये बंदा हमारे लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा, कि इसको हम अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, इसको हम अपने तरफ अपने हिसाब से तोड़ सकते हैं। तो मोदी या जयशंकर को वो उस हिसाब से नहीं तोड़ सकते, ना मरोड़ सकते हैं। दे आर बेसिकली ड्रिवन बाय देयर ओन इंटरेस्ट्स, दे आर ड्रिवन बाय देयर ओन पॉलिटिक्स। तो वहीं पर उनको ये चीज उनको उनके लिए एक तरीके से परेशानी हो रही है, और कहीं ना कहीं वो नरेंद्र मोदी को समझ भी नहीं पा रहे हैं और जयशंकर को समझ मतलब उनके साथ वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये परेशानियां आ रही है वेस्टर्न वेस्टर्न पावर्स को। मेरे ख्याल से ये जून ये अभी नवंबर 6 तारीख का यूएस इलेक्शंस हिंदुस्तान की तरफ से मेरे ख्याल से काफी काफी महत्वपूर्ण रहेगा, बिकॉज अगर कमला हैरिस आती है तो ये जो डबल गेम, ये हिपोक्रिटिकल गेम, ये वेस्टर्न डबल स्टैंडर्ड्स जो हम देख रहे हैं पिछले 5 6 7 महीने 1 साल भर से, ये मेरे ख्याल से चलता रहेगा और इंडिया को इसी के हिसाब से चलाना पड़ेगा। अगर ट्रम्प आता है तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से स्ट्रेट शूटर रहेगा, क्योंकि उसकी पॉलिटिक्स में कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं है। उसके मन में जो आता है वो बिल्कुल बोल देता है, तो वो डिप्लोमेटिक नहीं रखता अपने हिसाब से अपने पॉलिटिक्स को। तो ये मेरे ख्याल से नवंबर 6 7 तारीख काफी महत्वपूर्ण रहेगा टू डिसाइड कि अगला 4 साल इंडिया का जियोपॉलिटिक्स में क्या कहाँ पर क्या पोजीशन रहेगा। जो लोग जॉर्ज सोरोस को सपोर्ट कर रहे हैं वही लोग खालिस्तानियों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, वही लोग एंटी इंडिया एजेंडा को सपोर्ट करते हैं। क्या कोई स्पेसिफिक फायदा, जैसे हम लोगों ने देखा कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आई और उसने आकर के अडानी के खिलाफ इतना कुछ किया, इतना कुछ उसने रिपोर्ट निकाली, अडानी वहीं वापस पहुंच गए, अडानी इज बैक, अडानी के शेयर्स आर बैक। तो ये लोग सिर्फ इंडिया को नुकसान करने के चक्कर में रहते हैं कि इंडिया को नुकसान हो, खालिस्तान से भी हो और सोरोस से भी हो और वो दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि अडानी के खिलाफ काम कर रही थी उससे भी हो, ये सारे के सारे मिलके आर दे ट्राइंग टू हिंडर इंडिया? क्या कनेक्शन है जॉर्ज सोरोस और खालिस्तान का?
क्या कनेक्शन है? आई थिंक मेरे मेरे ख्याल से डेटा इन्फो लैब्स करके एक हैंडल है जिन्होंने इस पर्टिकुलर चीज को रिवील किया था कि जो जो जॉर्ज सोरोस के जो टेंटिकल्स है वो कितने डीप है. कहीं ना कहीं वो मुस्लिम ब्रदरहुड को भी फंडिंग करती है. वो जो एंटी इंडिया एस्टेब्लिशमेंट है इन द यूनाइटेड स्टेट्स, चाहे वो जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स में हो, इंडिविजुअल्स के फॉर्म्स में हो, जैसे सुनीता वशिष्ठ हो गई, या जो जय भीम जय मीम करने वाले जो है यूनाइटेड स्टेट्स में बैठे हुए, उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को जॉर्ज सोरोस फंड करता है. तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जॉर्ज सोरोस बेसिकली एक एंटी इंडिया, एक एंटी डेमोक्रेटिक फ्रंट है, और वो गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करना चाहता है. वो अपने हिसाब से इस दुनिया को मोल्ड करना चाहता है, और वो एक डीप स्टेट का CIA फंडेड एसेट है, जिसको CIA या डीप स्टेट जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से वो इस्तेमाल करते हैं. तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी डीप स्टेट के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, वो UN पे आके रशिया को लताड़ते नहीं है. तो इसीलिए इन चीजों को, इन कठपुतलियों को वो अपने हिसाब से यूज करते हैं जब भी वो चाहे. तो ये अलग-अलग कठपुतलियां हैं रोहित जी, जब डीप स्टेट चाहे वो अपने हिसाब से यूज करते हैं इंडिया के खिलाफ. राइट, ये डीप स्टेट अपने हिसाब से यूज करता है इंडिया के खिलाफ। थैंक्स अ लॉट आदित्य फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल, जय हिंद.